हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडियो एथिक्स। और आज हम करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश एमसीबी यूनिट 2 द इनएक्सपीरियंस कोस्ट बाय एचजी वेल्स। सो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो एंड इफ यू वांट डिटेल एक्सप्लेनेशन सो आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर फॉर इनएक्सपीरियंस कोस्ट। ओके, अनदर वीडियो फॉर दिस। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं द इनएक्सपीरियंस्ड होस्ट। नाम से ही हम समझ सकते हैं इसमें होस्ट की बात हो रही है जो कि इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, जिसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है एंड वो नया नया होस्ट बना है। इनटू थिन एयर, समथिंग और समवन डिसअपियर्स इन अ मिस्टीरियस वे। डिसअपियर इनटू थिन एयर, टू डिसअपियर कंप्लीटली इन अ वे दैट इज मिस्टीरियस। ओके, आउट ऑफ थिन एयर, इट्स अ आइडियम, दीज आर आइडियम्स। ओके, आउट ऑफ थिन एयर समथिंग और समवन अपियर्स इन अ सडन एंड अनएक्सेप्टेड वे। आर घोस्ट रियल, तो क्या घोस्ट रियल होते हैं? क्या आपने कभी घोस्ट देखा है? अगर आपने देखा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर कभी आपने एक्सपीरियंस करा है, ओके। सो आर घोस्ट रियल, क्या घोस्ट सच में होते हैं? तो देखिए, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी घोस्ट को नहीं देखा। एंड इसमें रिस्पॉन्स में भी नो लिखा है कि घोस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। सो घोस्ट्स आर नॉट रियल, ओके। इट्स बेस्ड ऑन एक्सीडेंट आइडियाज। लॉट्स ऑफ एक्सीडेंट सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ लाइक इजिप्टियंस। दीज घोस्ट स्टोरीज माइट हैव सम फ्रॉम देयर। The ghostly stories and ideas became so strong that they started haunting human minds. Okay, यानी कि इसमें हमको बताया जा रहा है कि ghost देखे होते तो नहीं है, लेकिन ये ghost की जो stories होती है ये इतनी ज़्यादा ख़राब और इतनी strong होती हैं कि ये human minds को haunt करने लग जाती हैं, डराने लग जाती हैं। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दे आर रियल, तो फिर लोग सोचने लग जाते हैं कि ये घोस्ट होते हैं, ये रियल होते हैं, बट नहीं होते। डिड यू सी अ घोस्ट, क्या आपने कभी घोस्ट देखा? रिस्पॉन्स नो, अगर देखा हो तो मुझे पता नहीं। इट वॉज अ वे ऑफ स्केयरिंग। Young and old believed in superstitions and ghosts become a part of it. Time passes, civilization grew, technology took over, but the fear of ghosts that gripped the human mind stayed on. Centuries have passed, but the fear still persists. यानी कि देखिए, ghost stories जो है ये हमें कम से कम देखनी चाहिए and even not नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को क्या करती हैं, डराती हैं एंड हम नेगेटिव फील करते हैं उससे। इसलिए हमको घोस्ट स्टोरीज नहीं देखनी चाहिए। और फिर हमको लगता है जब हम देखते हैं उन घोस्ट स्टोरीज को तो हमें लगता है कि भूत सच में होते हैं, बल्कि किसी ने देखा नहीं है, ना मैंने देखा ना आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जब हम ऐसी मूवीज स्टोरीज देखते हैं तो हमें लगता है कि घोस्ट होते हैं। So young and old believed in superstitions and ghosts became a part of it. Time passed, हो गया, civilization grew, हो गई, technology आ गई, लेकिन फिर भी जो ghost का fear है वो लोगों के दिमाग से नहीं गया। Centuries pass हो गई, लेकिन जो fear है, डर है, वो still exist करता है। We are going to read about ghost stories in this unit. Do you like ghost stories or
आर यू स्केयर्ड ऑफ देम? तो क्या आपको घोस्ट स्टोरीज अच्छी लगती हैं? तो आप बताइएगा, आपको लगती हैं कि नहीं लगती? आर यू स्केयर्ड ऑफ देम? तो क्या आप उससे डरते हो? डू घोस्ट रियली एग्जिस्ट? क्या आपके हिसाब से घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं? हैज एनीवन सीन देम? क्या किसी ने उसे देखा, घोस्ट को देखा है? क्या आपने देखा है? वॉट डू दे एक्चुअली लुक लाइक? और देखा है तो आप बताइए कि वो दिखते कैसे हैं? वो कहाँ रहते हैं? वेयर डू दे लिव? वेयर डू दे ईट? और वो वॉट डू दे ईट? और वो कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? आप वो सब बताइए. आर द फ्रेंडली? आर दे फ्रेंडली और मॉन्स्टर्स? और क्या वो फ्रेंडली होते हैं या फिर वो खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं? द क्वेश्चंस आर एंडलेस बट हैज़ नो लॉजिकल आंसर. क्वेश्चंस जो हैं ये एंडलेस है लेकिन कोई भी लॉजिकल आंसर नहीं है. लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड. योर मीटिंग विद अ घोस्ट. रिस्पॉन्सेस इन द स्टोरी. ओके, द इनएक्सपीरियंस्ड घोस्ट. सो जो नरेटर है इसमें, जो कि स्टोरी सुना रहा है कि वो एक घोस्ट से मिला है, तो उस नरेटर का नाम क्लेटन है. ठीक है, तो क्लेटन जो है वो एक घोस्ट से मिला है, ऐसा वो दावा कर रहा है. एन इनएक्सपीरियंस घोस्ट हु लेफ्ट द वर्ल्डली लाइफ सम टाइम बैक. तो क्लेटन ये दावा कर रहा है या वो बता रहा है अपने दोस्तों को कि वो एक घोस्ट से मिला, जो कि इनएक्सपीरियंस्ड घोस्ट है, जिसने अपनी वर्ल्डली यानी फिर हम कह सकते हैं वर्ल्डली मीनिंगफुल लाइफ जो है अपनी, ठीक है, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है समटाइम्स बैक लेफ्ट करी है. ठीक है, समटाइम बैक छोड़ी है. ही डिड नॉट नो घोस्टली वैनिशिंग ट्रिक. और वो इतना इनएक्सपीरियंस्ड है क्योंकि उस अभी नया नया वो घोस्ट बना है, तो वो इतना इनएक्सपीरियंस्ड है कि उसको वैनिशिंग, घोस्टली वैनिशिंग जो कि बहुत कॉमन है, वो सब घोस्ट को आती है, उसको वो ट्रिक भी नहीं पता. घोस्ट टोल्ड क्लेटन अबाउट हिज लाइफ ऑन अर्थ. तो जो घोस्ट है उसने क्लेटन को अपने लाइफ ऑन अर्थ के बारे में बताया, यानी कि उसकी अर्थ, उसकी लाइफ जो थी अर्थ में वो कैसी रही. घोस्ट ने क्लेटन को उसके बारे में बताया. क्लेटन ने उसको एडवाइस किया टू बिहेव इन अ घोस्टली मैनर. यानी क्लेटन जो है वो घोस्ट को एडवाइस कर रहा है क्योंकि घोस्ट इतना इनएक्सपीरियंस था, उसको डराना आता था, ठीक है, उसको डराना भी नहीं आता था एंड उसको कोई ट्रिक भी नहीं आती थी, वैनिशिंग ट्रिक, गायब होने की ट्रिक भी नहीं आती थी. तो क्लेटन ने उसको एडवाइस किया कि तुम एक घोस्टली मैनर में बिहेव करो. फाइनली विद ब्रिस्क हैंड मूवमेंट्स, विद ब्रिस्क मीन्स विद क्विक हैंड मूवमेंट्स, द घोस्ट वॉज एबल टू वैनिश. क्लेटन नरेटेड द घोस्ट टेल टू हिज फ्रेंड्स. जो क्लेटन है इसने ये स्टोरी जो है कि वो घोस्ट से मिला, उस क्लेटन ने ये स्टोरी नरेट करी टू द टू हिज फ्रेंड्स. सो नरेट्स स्पेशल मीटिंग विद द घोस्ट इन हॉलवे. फ्रेंड्स आर शॉक्ड. जो उसके फ्रेंड्स थे वो शॉक्ड हो गए थे लेकिन इम्प्रेस्ड हो गए थे. डिस्क्राइब्स द घोस्ट एज पैथेटिक एंड एनिमिक. घोस्ट लुक्ड वीक. जो घोस्ट था उसको डिस्क्राइब कर रहा है तो घोस्ट को पैथेटिक और एनिमिक बोल रहा है, ठीक है, और वो घोस्ट को कह रहा है कि घोस्ट थोड़ा वीक था और वो थोड़ा पेन एंड डिप्रेस्ड था. मेड अ वीक, तो उसने जैसे घोस्ट डराते हैं ना, बू ऐसे करते हैं घोस्ट, उसने भी उसी तरीके से करा लेकिन वो थोड़ा वीक था. मेड अ वीक बू. क्लेटन चाइडेड हिम फॉर इट्स लो एनर्जी एंड शैबी अपीरियंस. Why did the ghost visit the mermaid club? तो जो घोस्ट था वो mermaid club में क्यों रुका था? क्योंकि वो inexperienced था. Just turned into ghost क्योंकि वो just अभी अभी ghost बना था और वो haunt करना चाहता था और थोड़ा fun लेना चाहता था. So this is a story and हम इसको detail में तब पढ़ेंगे अपने another upcoming videos में. So, कैसा लगा video?
जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी जरूर लेके आएंगे। थैंक यू।